हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। रागिनी गुड इवनिंग, बबीता जी हेलो। यूजीसी नेट का आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम 23rd को है, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। आई होप आप सभी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रज्ञा, प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार कंफर्म कर लो कि आवाज़ जो मेरी है वो क्लियर आ रही है या नहीं आप लोगों को। आवाज़ अगर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें प्लीज़। आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके okay. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके okay. यहां पर पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पदाश्रित कृति, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये पदाश्रित, मतलब पद के आश्रित गीति है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए। ठीक है, आंसर ठीक है आप लोगों का। पद आश्रित जो गीतियां होती हैं आप लोगों की, उसमें मागधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। शुद्धा भिन्ना गौड़ी वेशरा साधारणी, ये जो गीतियाँ होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? और मागधी, अर्धमागधी, प्रथला, संभाविता, ये गीतियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है कि मागधी, अर्धमागधी, प्रथला और संभाविता, ये जो गीतियाँ हैं ये किसने बताई और ये किसके अंतर्गत आती हैं? पदाश्रित आती हैं कि स्वराश्रित? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोगों का आंसर सही है, जितने लोग भी बी बता रहे हैं, मागधी ही आएगी। सुमिता स्वराश्रित। मागधी, अर्धमागधी, प्रथला और संभाविता,
ये जो गीतियाँ बताई हैं किसने बताई हैं? सब सर्वप्रथम जो जहाँ पर इसका वर्णन मिलता है अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर आता है कि शुद्धा भिन्ना गौड़ी वेसरा और साधारणी, ये जो गीतियां हैं ये किसने बताई हैं? ठीक है, नाट्यशास्त्र ठीक है, भरत मुनि ने इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, गीतियों से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेंकट मुखी ने कौन सी पद्धति की रचना की? इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट आंसर करिए। किस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? वेंकट मुखी ने कौन सी पद्धति की रचना करी? विच टाइप ऑफ सिस्टम वॉज फॉर्म बाय द वेंकट मुखी? योर ऑप्शन इज थाट पद्धति, सेकेंड इज राग रागनी पद्धति, एंड थर्ड विद मेल पद्धति, एंड फोर्थ वन इज ग्राम राग पद्धति। ठीक है, आप लोग के आंसर ठीक हैं, मेल पद्धति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थाट पद्धति की रचना ये किसने करी? थाट पद्धति की रचना सर्वप्रथम किसने करी जिनका नाम थाट पद्धति के लिए लिया जाता है? अगर मेल पद्धति में वेंकट मुखी जी आते हैं तो थाट पद्धति में सबसे पहले कौन आएगा? थाट पद्धति की बात हो रही है आधुनिक समय के अनुसार। थाट पद्धति के लिए सोमनाथ यहाँ पर नहीं होंगे। सोमनाथ ने थाट का जो सोमनाथ का जो ग्रंथ, वहां पर थाट शब्द पहले बार आया, वहां पर थाट पद्धति के बारे में वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, जो थाट नाम है या थाट पद्धति जो आप लोग बोलते हो, दस थाट पद्धति है ना, दस थाट आधुनिक समय में, नहीं, भातखंडे जी, थाट जो बेसिकली आपकी थाट पद्धति आती है, भातखंडे जी ने जो दस यहाँ पर दस थाट बनाए थे ये आ जाएंगे आधुनिक के अनुसार। ठीक है, और सबसे पहले जो ये थाट पद्धति है या जो मेल पद्धति है या आप लोग संस्थान भी जानते हो उसके लिए, तो एक ग्रंथ है लोचन का राग तरंगिनी। तो राग तरंगिनी में सबसे पहले लोचन ने कुछ रागों को उन्होंने संस्थान के अंदर अंतर्गत रखा। तो जिसको भातखंडे जी थाट बोलते हैं या वेंकट मखी जी मेल बोलते हैं, इसी को लोचन ने संस्थान बोला है ना। तो इसी संस्थान के अंदर अंतर्गत सबसे पहले लोचन ने रागों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वाद्य वृंद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ करता था? विच टर्म वॉज यूज फॉर ऑर्केस्ट्रा ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? इसका आंसर बताइए। नौबत होगा, कानून होगा, दमाना होगा या फिर तूर्य होगा? बताइए, आंसर बताइए। नौबत ठीक है।
जिनका भी आंसर यहाँ पर नौबत है उनका आंसर ये सही। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तूर, इस तूरी यहाँ पर जो लिखा है, तूर्य शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? तूर्य, तूर्य का क्या मतलब होता है? तूर्य से आप लोग क्या समझते हैं? और तूर्य का जो प्रचलन है ये किस समय था? बताइए, तूर्य का जो प्रचलन है ये किस समय में है? तूर्य जो भरत बता रहे हैं, एक बार मैं एक और लिखता हूं, कुतप। तूर्य किस का जो चलन है, प्रचलन है, किस समय में था, और कुतप का जो प्रचलन है वो किस समय में किया गया? आप लोग आंसर करिए। ठीक है, आंसर सही है आपको। हाँ, आंसर आप लोगों का सही है कि वाद्य वृंद ही है, ये सभी वाद्य वृंद ही है। तूर्य का जो प्रचलन है ये भरत काल में था, या भरत के बाद हुआ है, या फिर उसके पहले का है, और कुतप शब्द का प्रयोग ये कब का है? आंसर करिए। ठीक है, कुतुब भरत काल में था। ठीक है, अच्छा आंसर है। वैदिक काल में तूर्य बोला जाता है। ठीक है, आंसर ठीक है आप लोगों का। तो टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए, कहाँ पर क्या चीजें थी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू, मतलब जो बाउल लोक गीत है वो किससे संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से या फिर किस राज्य से संबंधित है ये? पहला है बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार, और चौथा है हरियाणा। बताइए इनमें से किससे संबंधित है बाउल? बंगाल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जाएगा आप लोग कर लोगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आंसर सही है आप लोगों का, बंगाल ही होगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, मतलब जो शोध योजना होती है किसके पश्चात मतलब की जाती है, मतलब जो शोध योजना चलती है ये किसके बाद की जाती है? आंसर बताइए। रिसर्च जब आप डिजाइन करते हो तो किसके बाद होता है वो? स्कोप के बाद में, जो सीमा परिसीमांकन जो आप बोलते हो उसमें लिखते हो, या हाइपोथेसिस के बाद में, या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उद्देश्य के बाद में, या फिर मेथोडोलॉजी जो आप बोलते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है, प्रक्रिया कब आता है आप लोग बताइए। ठीक है जी, बिल्कुल सही। जो लोग यहाँ पर आप बता रहे हो हाइपोथेसिस, उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। क्लियर है? बेसिकली जो रिसर्च आप लोग डिज़ाइन बनाते हो, कैसे क्या आगे क्या कैसे काम करना है, तो पहले आप उसकी एक परिकल्पना बना लेते हो ना, मतलब एक हाइपोथेसिस वहाँ पर
बनाते हो, एक परिकल्पना होता है कि इसका क्या आउटकम आएगा, कैसे क्या आप इसमें करोगे। ठीक है, परिकल्पनाएं होती हैं। एक आपकी होती है जिसको आप बोलते हो ना शून्य परिकल्पना, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और इसी में एक आपका ऑल्टरनेटिव भी लेकर चलते हैं जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो, परिकल्पनाएं बनाते हो। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है बेसिकली आपकी, ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनसे वो स्टार्ट होती है। फिर जब वो रिजेक्ट की जाती है तो ऑल्टरनेटिव जो साथ में लेके चलते हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? आंसर सही है सभी का। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत बाद में लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, यहाँ पर आंसर आप लोगों का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मैग्नीट्यूड इज यूज्ड, मतलब मैग्नीट्यूड जो तीव्रता शब्द का प्रयोग कब होता है, तीव्रता शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। पहला है स्वर, दूसरा है गमक, तीसरा यहाँ पर है श्रुति, चौथा है नाद। ये किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग बता लेंगे क्या है यहाँ पर, डाउट की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपसे। एक सप्तक में कितने स्वर हैं? एक सप्तक में कुल कितने स्वर हैं बताइए। ये तो आंसर सही है आप लोगों का, ये नाद से संबंधित है। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? 12। वेरी गुड, 12 होते हैं। 7 आपके शुद्ध होते हैं और 5 आपके विकृत होते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अलग अलग शास्त्रकारों ने शुद्ध और विकृत स्वरों के अलग अलग प्रकार बताए, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि किस शास्त्रकार ने, ये क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में, कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताएं। क्लियर है? दूसरा यहां पर है गमक। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन करूं कि संगीत रत्नाकर में कितनी प्रकार की गमकों का उल्लेख किया गया, कितनी प्रकार की जो गमक है संगीत रत्नाकर में बताइए बताइए। संगीत रत्नाकर में कितनी प्रकार की गमकों का उल्लेख किया गया? ठीक है, 15 गमक। ठीक है, इन्हीं 15 गमकों को पंच पंचदश है ना, या फिर पंचदश, इसको जो 15 गम के होते हैं इनको और किस नाम से जानते हैं आप लोग बताओ? जो 15 गमक हैं इनको और किस नाम से जानते हैं? पंद्रह गमकों को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, पंचदश गमक, वो एक्चुअली मैंने लिख भी दिया था। दक्षिण में, यहीं पर एक क्वेश्चन है, दक्षिण में कुल कितनी जो गमके हैं वो प्रचलित हैं, यहीं से क्वेश्चन है, दक्षिण में कुल कितनी गमके यहाँ पर प्रचलित हैं? और जो दक्षिण में कुल गमके हैं वो कितनी है और उन्हें और किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं बताइए।
वेरी गुड। दक्षिण में आपकी 10 गमक प्रचलित हैं, जिनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, रागनी दशविद, ठीक है। इनको 10 विद गमक बोला जाता है, कई बार एग्जाम में ऐसे करके भी नाम दिए जाते हैं, ठीक है। सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां हैं? सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां होती हैं? इजी क्वेश्चन है, पहले इजी पूछता हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट वन। बताइए सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां हैं? बाईस है, ठीक है। सप्तक में 22 श्रुतियां हैं, ठीक है। कितने ऐसे शास्त्रकार हुए हैं जिन्होंने 66 श्रुतियां मानी? कितने ऐसे शास्त्रकार हुए हैं जिन्होंने 66 श्रुतियां बताई हैं? बताइए। शास्त्रकारों के नाम बताइए जिन्होंने 66 श्रुतियों का एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, पहला कोहल है। लता जी प्रणाम। कोहल, कोहल ने 66 बताई है। भरत ने 66 श्रुतियां नहीं बताई हैं। कोहल है, पार्श्वदेव है, कोहल और पार्श्वदेव, तीसरे आते हैं अभिनव गुप्त। क्लियर है? अब यहां पर बेसिकली इन्होंने 66 छुट्टियां जो बताई हैं, ऐसा नहीं कि एक सप्तक में बताई हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये है कि बुक्स में लिख दिया है शास्त्रकारों ने कि 66 छुट्टियां बताई, एक्चुअली इन्होंने 3 सप्तकों के अनुसार 66 छुट्टियां बताई हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत पूछे जाते हैं, तो 3 सप्तकों के अनुसार, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि एक सप्तक में ये 66 छुट्टियां, मतलब 22 आपकी मंद्र में आएंगे, 22 आपकी मध्य में आएंगे और 22 आपकी तार में आएंगे, एक टोटल आपकी 66 बनेंगे। क्लियर है? और अगर हम श्रुतियों की बात करें, श्रुतियों में एक वीडियो भी बना है, आप लोग देख लेना उसको, यूट्यूब पर मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ ये स्थान भेद से हैं, ठीक बता रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन ये बुक्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि सीधे बोल देते हैं कि 66 श्रुतियाँ। एक क्वेश्चन श्रुति से और है। 22 श्रुतियों के नाम आप सबको पता होंगे, ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हो। 22 श्रुतियों का जो भिन्न भिन्न अलग अलग नाम है, सबसे पहले अपने ग्रंथ में किसने दिया है? 22 श्रुतियों का अलग अलग नाम जो है वो सबसे पहले किसने दिया? या फिर जो श्रुतियां हैं, क्या सभी शास्त्रकारों ने इनके नाम एक समान माने हैं या फिर कुछ लोगों ने अलग भी बताए? ठीक है, नान्यदेव, नान्यदेव ने श्रुतियों के कहीं कहीं नामों का अलग नाम से उल्लेख किया है। 22 भरत के अनुसार उन्होंने एज इट इज नहीं मानी, नान्यदेव हैं। और दूसरे आपके एक और शास्त्र, मतलब कि जो हमारे शास्त्रकार हुए हैं नारद, नारद ने भी कहीं कहीं इनके मतों के अनुसार, भरत मुनि के जो मत है, यहाँ पर भी श्रुतियों के कुछ अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है,
यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मसीद खानीगत किस मात्रा से आरंभ होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसमें बताइए। मसीद खानीगत किस मात्रा से आरंभ होती है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मसीद खानीगत 12वीं मात्रा के पश्चात, यहाँ पर 12वीं मात्रा से बोल सकते हैं, यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, मसीद खानीगत में कितने मात्रे का मुखड़ा होना चाहिए? आप लोग लिए क्वेश्चन है, मसीद खानीगत में कितने मात्रे का मुखड़ा होना चाहिए? ठीक है, 5 मात्रे का मुखड़ा, ठीक है, जो भी 5 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है 5 मात्रे का मुखड़ा होता है। मसीद खानीगत किस लय में बजाई जाती है? सितार की चीज़ आप सबको पता है। मसीद खानीगत किस लय में बजाई जाती है, पहला क्वेश्चन ये है। और मसीद खानीगत को किस बाज के नाम से जानते हैं? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। मसीद खानीगत किस लय में बजाई जाती है और मसीद खानीगत को किस बाज के नाम से जाना जाता है, बताइए। विलंबित लय, ठीक है, 3 ताल विलंबित होती है, वेरी गुड, विलंबित लय में गाते हैं, ठीक है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मसीद खानीगत जो है ये किस बाज के नाम से प्रसिद्ध है? पश्चिमी बाज, ठीक है, राइट आंसर है आप लोगों का, क्वेश्चन ठीक है, ये गत से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों के आंसर यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ दिल्ली बाज भी बोलते हैं, वही पश्चिम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ अ रिसर्च वर्क व्हाट डज आईबिड मीन? मतलब आईबिड होता है रिसर्च में, आप लोगों ने देखा होगा, आईबिड इंग्लिश में लिखा जाता है, और शोध कार्य में संदर्भों की सूची में वही का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है जो पूछा गया है आपके रिसर्च में, मतलब इसमें जो आप लोग संदर्भ देते हो, रेफरेंस जहाँ पर होता है वहीं पर आप देखोगे कि वही शब्द लिखा रहता है, उसका क्या मतलब होता है, क्या आप इससे समझते हैं, बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पहला आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है समझ लीजिए, इमीडिएटली प्रीवियस रेफरेंस इज रिपीटेड, तुरंत पहले संदर्भ की पुनरावृत्ति होना। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ रेफरेंस इज रिपीटेड आफ्टर सेवरल अदर रेफरेंसेस, मतलब कई संदर्भों के पश्चात वही संदर्भ का होना। यहाँ पर थर्ड वन है, इट इज अ टोटली न्यू रेफरेंस, बिल्कुल नए संदर्भ का होना। और यहाँ पर फोर्थ है, इट स्टैंड्स फॉर अ जर्नल, मतलब पत्रिका के लिए होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, 3/4 तो यहां पर नहीं होगा, सही बात है, तो ये तो कट हो गया, बिल्कुल सही, अब इन्हीं दोनों में से होगा। तो देखिए वही का मतलब होता है कि इमीडिएटली जब आप किसी रेफरेंस को रिपीट करते हो, है ना, मतलब जो आपने एक रेफरेंस का दिया है कि मैंने ये डेटा इस बुक से लिया है, और उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट भी वहीं पर आप रखते हो और उसी बुक का है, तो वहां पर आईबीड या फिर वही लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर
हाँ यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि एक कोई लाइन लेते हैं, मैंने संगीत सीखा, अगर मैं इसको लिखूँ मैंने संगीत सीखा। अब ये लाइन एज इट इज किसी बुक में लिखी है, मान लो वो बुक है रत्नाकर, ठीक है। तो अब मैंने संगीत सीखा, तो यहाँ पर जो नीचे लिखा होगा जहाँ भी लाइन होगी, तो वहाँ पर ऐसे करके फुट नोट्स में दे देते हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो या तो फुट नोट में भी वही लिख सकते हो, या फिर आई बिट लिख सकते हो, या रेफरेंस जहाँ पर आप टोटल लिखते हो लास्ट पेज पर वहाँ पर लिख सकते हो। अब मान लो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो मैंने लाइन ली है वो भी कहाँ से है, रत्नाकर से है, तो वहाँ पर वही लिखा, मतलब यहाँ पर ये वही लिख देते हैं, या फिर आई बिट लिखा जाता है कि जो नेक्स्ट लाइन है या फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी सेम बुक से है, ठीक है। तो वहां पर यूज किया जाता है आई बिट, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लक्षण्स ऑफ जातीज आर देयर अकॉर्डिंग टू शारंगदेव, मतलब शारंगदेव के अनुसार जातियों के या फिर जाति के कितने लक्षण हैं, बताइए। बिल्कुल, ये सबको पता है, जिस तेजी से आप आंसर करते हो पता चल जाता है कि ये इजी क्वेश्चन है और सबको पता है ना। तो शारंगदेव ने बेसिकली जातियों के कितने लक्षण माने हैं, 13। और भरत जी ने कितने लक्षण माने हैं, भरत ने, बताइए इसका आंसर, भरत ने कितने लक्षण माने। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, शारंगदेव ने जो 13 लक्षण माने, अभी इस पर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ये बताओ कि भरत ने कितने लक्षण माने। ठीक है, भरत ने 10 माने हैं और शारंगदेव ने 13 माने, तो ऐसे तीन कौन से इनके लक्षण हैं जो इन्होंने यहाँ पर जोड़े, भरत के ही 10 लक्षणों में। लता जी आंसर सही है, 10 लक्षणों में, भरत के ही 10 लक्षणों में तीन लक्षण इन्होंने और जोड़े, किसने, शारंगदेव जी ने। तो वो तीन लक्षण कौन से थे, बताइए संन्यास, विन्यास और अंतर्मान, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मेनी गमकाज आर मेंशन इन संगीत पारिजात, मतलब संगीत पारिजात में कितने प्रकार की गमकों का उल्लेख प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी है कई बार एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट। तो संगीत पारिजात में कितनी प्रकार की गमकों का उल्लेख मिलता है, बताइए। पंद्रह, या फिर 18, या फिर 13, या फिर 20, क्या आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर सही है आप लोगों का, संगीत पारिजात में 20 गमकों का उल्लेख अहोबल जी ने यहाँ पर किया है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास ऐसा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मेनी प्रांस ऑफ ताल आर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताल के कितने प्राण हैं, 11, 12, 13 और 10, कौन सा इसमें से सही होगा।
ताल के कितने यहाँ पर प्राण हैं? 11, 12, 10 या फिर 13? सबको पता है, ये इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन पता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी धातुज ऑफ वादन क्रिया हैव बीन डिस्कस बाई भारत, मतलब जो भरत मुनि थे, वादन क्रिया के अंतर्गत उन्होंने कितनी धातुएं यहाँ पर बताई हैं? बताइए, वादन क्रिया के अंतर्गत भरत ने कितनी धातुओं का एक्सप्लेनेशन दिया है? 2, 5, 3 या फिर 4? वादन क्रिया के अंतर्गत भरत ने कितनी धातुओं का एक्सप्लेनेशन दिया है? दो धातुएं या फिर 5 धातुएं या फिर 3 या फिर 4? यहां पर क्रिया नहीं बोल रहा हूं मैं, क्रिया नहीं, यहां पर है क्रिया की कितनी धातुएं बताई है। क्रिया तो सशब्द निशब्द तो है ही है, वादन क्रिया की कितनी धातुएं हैं, धातु पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन को समझिए, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया अलग चीज है। ताल 10 प्राण के अंतर्गत वहां से क्वेश्चन नहीं है, वादन क्रिया की कितनी धातुएं बताएंगे? भरत ने वादन क्रिया के अंतर्गत 4 धातुएं बताई, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दो आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सही है। क्लियर है? तो वादन क्रिया के अंतर्गत भरत ने 4 धातुएं बताई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्वर आर मेंशन इन संगीत रत्नाकर, ये भी क्वेश्चन इजी है। संगीत रत्नाकर में कितने स्वरों का वर्णन किया गया, बताइए। आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, कितने स्वरों का वर्णन किया? 24, 17, 29, 24 या 19? आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो कितना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19। जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारद ने वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डिस्कस्ड बाई नारद, मतलब नारद ने वाद्यों को कितने वर्गों में डिवाइड किया है? क्या आंसर होगा बताइए आप लोग अपना अपना। 2, 5, 3 या फिर 4? कितने वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया, क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर? नारद ने वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2, 5, 3, 4? बताइए। सब लोग 4 और 5 बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर नारद ने वाद्यों को 3 वर्गों में, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो नारद हैं, वाद्य प्रकार जो वर्ग हैं यहाँ पर 3 हैं, 3 वर्गों में इन्होंने वाद्यों को विभाजित किया है। भरत को मत लेके चले, नारद का कॉन्सेप्ट अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही है? 3। क्लियर है? ना 4 होगा ना 5 होगा, यहाँ पर 3 है, इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। सबसे ज्यादा डिफरेंट थिंग्स जो बताई हैं
वो नारद ने बताई हैं सबसे अलग हटके, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसको भरत के अकॉर्डिंग मत लेके चलो, जो आप लोग तत् अवनत सुषिर और उसमें लेके चलते हो, ये नारद के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टेक द थाट ऑफ मालकौंस राग। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि मालकौंस राग के थाट को पहचानिए, मतलब जो यहाँ पर राग होता है मालकौंस, मालकौंस राग को किस थाट के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड? ठीक है, मालकौंस तो भैरवी से ही है, इजी है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुश्ताक अली खां किस घराने से संबंधित है, यहाँ पर क्या आंसर होगा। टिक द नेम ऑफ मुश्ताक अली खान्स घराना, मतलब मुश्ताक अली खां किस घराने से संबंधित, ग्वालियर, मैहर, आगरा, सेनिया, क्या आंसर होंगे आप लोगों के, बताइए। आंसर्स क्या होंगे शेयर करिए। जी सही है, बताइए। ठीक है, सेनिया बिल्कुल सही आंसर है, सेनिया घराने से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रंथ सप्ताध्यायी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, अब तो ये आना भी बंद हो गया है, इतनी बार पूछ लिया गया है, इसका आंसर करिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए। संगीत रत्नाकर, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है कि आजकल एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नारद के ऊपर लता जी पूरा एक चैप्टर ही है, वो जल्दी आपका यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, नारद के बारे में, शारंगदेव जी के बारे में, क्या किस चैप्टर में क्या बताया है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए फटाफट करेंगे आज जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे। है 32 ग्राम राग इज गिवन बाय, मतलब 32 ग्राम राग किसने बताए, 32 ग्राम राग
बतंग आंसर सही है, 32 ग्राम रंग बतंग नहीं बताए। ठीक है, शारंग देव ने यहाँ पर 30 बताए हैं और मतंग ने यहाँ पर 32 बताए। इन्हीं दोनों का ज़्यादा खास करके पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ टू और मोर देन टू स्वराज इन वेस्टर्न म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज नोन एज, मतलब पाश्चात्य संगीत रचना में दो या दो से अधिक स्वरों के प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा, हारमनी, मेलोडी या फिर सोनाटा। इसको सोनाटा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा, हारमोनी, मेलोडी या फिर सोनाटा, किसके अंतर्गत ये आएगा? बताइए। पाश्चात्य संगीत रचना में दो या दो से अधिक स्वरों के प्रयोग को क्या कहते हैं? आंसर बताइए। ऑर्केस्ट्रा, हारमनी, मेलोडी और सोनाटा। ठीक है, वेरी गुड, आंसर ठीक है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हारमोनी। क्लियर है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। आप लोग एक बहुत ही जल्दी अभी नेट का एग्ज़ाम ये तो हो जाएगा, लेकिन एक अभी डेटा और फॉर्मेट का हम लोग बना रहे हैं, उसमें आई थिंक 25 to 5000 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कई क्वेश्चंस मेरे भी होंगे, एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, जो पूरा एक कंप्लीट पैकेज होगा। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो बिल्कुल नेट के लिए ही होगा, नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक्स लेकर एडवांस तक होगा। जल्दी ही आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, और लाइव क्लासेस में भी थोड़े टाइम बाद कुछ क्लासेस ऐसे मिलेंगे आपको, जिसमें कि हम लोग 5000, 6000 तक क्वेश्चंस या फिर 10000 तक का क्वेश्चन का जो भी डेटा है हम वो करेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े गुलाम अली खान बिलोंग्स टू विच घराना? बड़े गुलाम अली खान जो हैं वो किस घराने से बिलोंग करते हैं? म्यूजिक से जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब स्टार्टिंग में कुछ बहुत बच्चे वीक होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, वो भी अच्छे लेवल का पढ़ लेते हैं, उनको नॉलेज होता है, लेकिन जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको बहुत सारे ऐसे भी हैं कि किसी स्टेट से हैं, वहाँ पर सिर्फ जो भी सीखा थोड़ा बहुत सीख लिया, तो उन सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि म्यूज़िक का जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, प्लस जो गायन वादन जो भी आपका आप जो भी पार्ट है, वो सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, इसी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा उसको डेवलप करने पे लगे हैं, एक बार हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे तो इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली, तो इतना बड़ा नाम है कि जबानी लड़खड़ा जा रही नाम लेते हुए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? पटियाला। ठीक है, बहुत इजी है, पटियाला घराना से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, तिल्लाना ऑफ कर्नाटका म्यूजिक इज इक्विवेलेंट टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉर्म? कर्नाटक संगीत का जो तिल्लाना है किस हिंदुस्तानी संगीत विद्या के समकक्ष है? कर्नाटक संगीत का तिल्लाना किस हिंदुस्तानी संगीत विद्या के समकक्ष है? आंसर। इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और एग्जामिनर ना चाहते हुए भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्योंकि क्वेश्चन और कुछ हो
है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कंपोज 120 देसी ताल्स, किसने 120 देसी तालों का तालों की रचना करी है? भरत हैं, शारंग देव हैं, नारद हैं या फिर मतंग हैं? बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। शारंगदेव या फिर नारद या फिर मतंग। 120 तालों का वर्णन किसने किया है? इजी है क्वेश्चन, में कुछ खास है नहीं। तो यहां पर आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, शारंगदेव। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इजी है उस पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि पूरा टाइम ही चला जाए, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच गायन शैली कथक, नहीं कथक नहीं है, खटका है, खटका मुरकी एंड तान आर नॉट यूज। इन विच गायन शैली खटका मुरकी एंड तान आर नॉट यूज, किस गायन शैली में खटके मुरके और तान का प्रयोग नहीं होता? आंसर बताइए। टप्पा गायन शैली में या ध्रुपद गायन शैली में या फिर तराना में या फिर ख्याल में, किस में प्रयोग नहीं होता? बिल्कुल यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्रुपद। ध्रुपद में बेसिकली इनका प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि खटका मुरकी और तान का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर यहाँ पर करेंगे, तो वो ध्रुपद की जो एक ध्रुपद में ना चंचलता आ जाती है इनकी वजह से, तो इसलिए ध्रुपद में इनका प्रयोग नहीं होता। ध्रुपद बहुत ही गंभीर प्रकृति का गायन है, इसलिए उसकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा खटके या फिर मुरकी या फिर तान वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी कुछ खास नहीं था। कौन सी वीणा में सर्वप्रथम पर्दों का प्रयोग किया गया? ऐसी कौन सी वीणा है जिसमें सबसे पहले पर्दों का यहाँ पर प्रयोग मिलता है? बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। रुद्र वीणा में, किन्नरी वीणा में, त्रितंत्री वीणा में या फिर चित्रा वीणा में? आपका क्या आंसर होगा, रुद्र वीणा, किन्नरी वीणा, त्रितंत्री वीणा या फिर चित्रा वीणा? सबसे पहले फ्रेट्स जो पर्दे होते हैं ना, का प्रयोग किस में किया गया, कौन सी वीणा थी? ठीक है, पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, किन्नरी वीणा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले वीणाओं पर या फिर वीणा पर पर्दा लगाने का काम, मतलब जो फ्रेट्स बोलते हो ना आप, जो से गिटार में फ्रेट्स होते हैं, तो सबसे पहले इसका लगाने का काम जो है ये मतंग जी ने किया था। ठीक है, तो वीणा भी मतंग की जो किन्नरी वीणा है, किन्नरी वीणा में सबसे पहले इसका यहाँ पर लगाया जा मतलब मिलता है कि इसका वर्णन कि सबसे पहले पर्दों का प्रयोग किन्नरी वीणा में ही किया गया। और सबसे पहले पर्दे लगाने का काम किसने किया, ये भी आपके मतंग जी ने किया। सबसे पहले आपको ये बृहदेशी में मिलता है कि पर्दे लगाने का काम या फिर वीणा पर पर्दे का काम सबसे पहले मतंग जी ने किया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टाइल गीत गोविंद इज रिटन, गीत गोविंद किस शैली में लिखा गया? मतलब जो गीत गोविंद आपका जो ग्रंथ आप सभी लोग जानते होंगे, तो पहले ये आप बता दो कि ये किसने लिखा है।
पहला तो क्वेश्चन यही है, किसने लिखा है और ये किस शैली में लिखा गया, बताइए। गीत गोविंद किस शैली में लिखा गया? ठीक है, आप लोग आंसर करिए फटाफट, जिनको आता है आंसर करिए। गीत गोविंद किस शैली में लिखा गया? ठीक है, जिनका भी आंसर यहाँ पर प्रबंध है, बिल्कुल सही जवाब है। तो गीत गोविंद प्रबंध शैली में लिखा गया है और जयदेव ने लिखा है। ठीक है, आंसर ठीक है आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ताल सादराई संग, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पेटेंट है, हर एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है कि सादरा जो है वो किस ताल में गाया जाता है, बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। सबको पता होगा ये, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, झप ताल। तो झप ताल में आपका सादरा गाया जाता है। क्लियर है, जिनका भी आपका थ्री आंसर है, सभी लोग दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सादरा, सॉरी झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हिंदुस्तानी राग इज सिमिलर टू द राग मोहनम। मोहनम राग किसके समकक्ष है? ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आंसर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भोपाली के समकक्ष है, या केदार के समकक्ष है, या फिर शुद्ध कल्याण के समकक्ष है, या फिर कामोद के, आंसर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी राग मोहनम के समकक्ष है? वेरी गुड, भोपाली, सबको पता है ये भोपाली है, कुछ खास इसमें है नहीं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव रस में परिवर्तित होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा भाव रस में परिवर्तित होता है? आंसर यहाँ पर है अस्थाई भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, या फिर विभाव, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। अपने जितने भी आपके आंसर हैं फटाफट कमेंट करिए, कौन से यहाँ पर जो भाव है जो भाव रस में परिवर्तित होता है, कौन सा भाव है जो कि रस में परिवर्तित होता है? अस्थाई भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, या फिर विभाव, कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा, बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अस्थाई भाव, संचारी भाव, तीसरा, संचारी होगा या अस्थाई होगा या फिर विभाव होगा, अस्थाई तो कोई आएगा नहीं तो ये कट हो गया, इन तीनों में से कोई एक होगा, संचारी, अस्थाई या फिर विभाव, कौन सा आएगा यहाँ पर? ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पर आंसर है थर्ड, मतलब अस्थाई भाव, उनका आंसर यहाँ पर सही है, मतलब जो भाव रस है, मतलब कौन सा भाव, अस्थाई भाव, ये रस में परिवर्तित होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गीतीज, मतलब जो गीतियाँ हैं, आर रिकॉग्नाइज बाय द स्कॉलर्स, मतलब विद्वानों द्वारा कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर दो आंसर होंगे, अभी हमने शायद एक दो क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो दोनों आंसर बताइए। विद्वानों द्वारा कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया है? विद्वानों द्वारा कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया? पांच, ये फाइव लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइव होगा, फाइव या फोर होगा,
या यहाँ पर 3 होगा या 6 होगा, बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। दो आंसर सही हैं, 5 और 4, 5 भी हैं और 4 भी हैं यहाँ पर, ये दोनों आंसर सही हैं। जो 5 बता रहे हो बिल्कुल सही है, चौथा भी जो अगर बता रहे हो तो वो भी सही है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। दोनों ने मतलब 5 भी माने हैं और 4 भी माने, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मूर्छनाज ऑफ षडज मध्यम एंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, षडज मध्यम और गांधार की कुल मूर्छनाएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स में धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद ये सब जितने भी आप क्वेश्चंस हैं ऐसे ये फैब्रिकेट किए जाएंगे, कि थोड़ा सा अगर आप डीप नहीं पढ़ोगे तो शायद क्वेश्चंस आप गलत करोगे, क्योंकि अभी म्यूजिक में जो अभी तक मैंने देखा है, आरपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपका क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं, रीजनिंग लेवल का जो क्वेश्चन है, जो आपका लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, लास्ट कुछ ईयर से वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और उसी पैटर्न पर 1-2 साल में आपको क्वेश्चंस यूजीसी नेट में मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसी उसके बाद 1-2 साल बाद और क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तभी आगे कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आंसर सबको पता है, 21 यहाँ पर हो जाएगा, सबको पता है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांड गायन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मांड गायन शैली इज एसोसिएटेड विद, मांड गायन शैली किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है, या फिर गुजरात से संबंधित है। तो मांड गायन शैली किसके अंतर्गत यहाँ पर आती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात, आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर। वेरी गुड, तो मांड किसके अंतर्गत आ जाएगा, राजस्थान, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं भी पता होगा। क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ राग विज्ञान, मतलब राग विज्ञान किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है। लाल मुनि है, डॉक्टर लाल, यहाँ पर मुनि क्या है, ये यहाँ पर लाल मणि होना चाहिए, लाल मणि, लाल मणि मिश्रा जी, ठीक है। उसके बाद है विनायक राव पटवर्धन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर या फिर आचार्य बृहस्पति, कौन से होंगे राग विज्ञान के लेखक कौन है। ठीक है, आंसर सही बता रहे हो आप लोग, यहां पर क्या हो जाएगा, विनायक राव पटवर्धन। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, आप लोग देख लो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजा खानी गत के दूसरे नाम से जानी जाती, मतलब कि रजा खानी गत दूसरे किस नाम से जानी जाती, लखनऊ बाज, जयपुर बाज, पश्चिमी बाज या फिर दिल्ली बाज। टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि कुछ भी नहीं, एक तरीके से फटाफट आप कर लोगे। तो रजा खानी गत को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, लखनऊ, जयपुर, पश्चिम या फिर दिल्ली, आंसर करिए फटाफट कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ बाज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं। तो रजा खानी आपका हो गया लखनऊ, ये पूर्वी बाज ही बोला जाता है इसको, पूर्वी बाज, और दूसरा यहाँ पर दिल्ली बाज है, दिल्ली बाज को ही पश्चिमी बाज बोलते हैं, जो मसीद खानी के अंतर्गत आता है।
रजा खान लखनऊ के थे ना, इसलिए इसको पूर्वी बोलते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटेशन सिस्टम इज जनरली यूज इन वेस्टर्न म्यूजिक। पाश्चात्य संगीत में कौन सी स्वरलिपि का प्रयोग किया जाता है? सोल्फा, चीव, न्यूम, स्टाफ। बताइए, सामान्यता बोल रहा है पहले ही। जी बिल्कुल, पश्चिमी बाजी मसीद खानी बाजी जो कि दिल्ली है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सोल्फा, चीव, ड्यूम्स या फिर स्टाफ। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टाफ। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ खास है नहीं क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन है, टेक द नेम ऑफ षडज ग्राम मूर्छना। षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं उनको बताना है। उत्तर मंदरा लिखा है यहाँ पे, उत्तर मंदरा होगा ये, दयावती, छंदोवती या फिर रजनी। षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी है? बताइए, षडज ग्राम की मूर्छना यहां पर कौन सी है? सबको पता है ये, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं, आप खुद ही देख रहे हो, इतना कुछ टफ नहीं है, आप पढ़ते हो, आप टाइम दे रहे हो तो बहुत इजी होगा आपके लिए। दूसरा, द टर्म आलंघन एंड अभ्यास आर यूज्ड फॉर। आलंघन और अभ्यास शब्दों का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? अल्पत्व, बहुत्व, ऑडो या फिर ऑडवत या फिर षडवत, किसके अंतर्गत ही आते हैं? इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत क्लियर है, इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है। अब देखिए, यहां पर अगर जैसे क्वेश्चन और टफ बनाए जाएंगे या बनते हैं तो कैसे बनते हैं, पर्टिकुलर जैसे कि कोई राग बोल दिया है ना, यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में एक राग दे देते हैं और एक स्वर दे देंगे, तो उसमें से पूछ लेंगे कि आरोह में अगर मध्यम स्वर है तो ये बहुत तो है या फिर अल्पत है। मतलब एक कोई राग दे दिया, उसमें पूछ सकते हैं कि ये बहुत तो है अल्पत है, तो उसमें अगर राग आपने सीखा नहीं, आपको पता नहीं है, तो वहां पे आंसर गलत होते हैं। इसलिए रागों के बारे में भी पढ़िए, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई सिलेबस नहीं रागों का, कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आप लोगों का, कौन सी गायन शैली में प्रबंध के चार अंगों का प्रयोग होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रबंध के जो चार अंग हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? टप्पा, तिरवट, चतुरंग, तराना। बताइए, यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? चतुरंग। सबका आंसर सही है, सबको आ रहा है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच नंबर ऑफ श्रुति मध्यम स्वर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एंशियंट स्कॉलर। प्राचीन विद्वानों द्वारा मध्यम श्रुति को, मतलब मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया गया? आंसर बताइए। प्राचीन विद्वानों द्वारा
कौन सी संख्या पर श्रुति पर मतलब मध्यम स्वर किस श्रुति पर है? 11वीं, 13वीं, 10वीं, 12वीं। ठीक है, आंसर सही है आप लोगों के। 13वीं यहाँ पर श्रुति हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नत्थन पीरबख्श किस घराने से संबंधित हैं? ये एक्चुअली टीजीटी वगैरह का जो एग्जाम होता है आप लोगों का, वहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से कुछ बन सकते हैं। नेट में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा फैब्रिकेट करके पूछे जा सकते हैं। तो नत्थन पीरबख्श किस घराने से संबंधित है बताइए। नत्थन पीरबख्श किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, किराना, आगरा या फिर दिल्ली? सबको पता है ये कौन नहीं जानता है? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ग्वालियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एम ऑफ रिसर्च इज टू, मतलब शोध का जो आप रिसर्च करते हो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या एम होता है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके चार ऑप्शंस हैं। अपग्रेड वंस नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है इम्प्रूव द प्रेजेंट सब्जेक्ट नॉलेज टू अ हायर लेवल। थर्ड वन इज कंप्लीट वंस एलिजिबिलिटी ऑफ जॉब्स। फोर्थ क्या है, इंक्रीज वंस प्रेस्टीज एंड फेम। तो ज्ञान में वृद्धि करना है या वर्तमान ज्ञान की गुणवत्ता को सुधार कर उच्च स्तरीय बनाना नौकरी की पूर्ति के लिए, या फिर मान सम्मान में लोकप्रियता में वृद्धि करना। कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ पर? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर यहाँ पर दो है, इम्प्रूव द प्रेजेंट सब्जेक्ट नॉलेज टू अ हायर लेवल, मतलब वर्तमान ज्ञान की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना ही क्या बोलते हैं, रिसर्च। अब यहाँ पर आजकल क्या है, मतलब जो रिसर्च वगैरह या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ये बस जस्ट फॉर एक जोक है, तो ये दोनों बहुत सुटेबल बैठते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर नौकरी चाहिए, इसलिए पीएचडी कर लो, नौकरी की पूर्ति के लिए बहुत सुटेबल है आजकल के हिसाब से, है ना। और दूसरा मान सम्मान भी चाहिए लोगों को, इसलिए पीएचडी कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा है लग के दिल से मेहनत करते हैं और कुछ नया चीज़ आते हैं, लेकिन बाकी का क्या है कि ये सुटेबल बैठता है, मतलब बेस्ट है आजकल के लिए देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में तो सब यही चल रहा है आजकल। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको आंसर में नहीं बताना है कि नहीं हम ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं और ऐसा वैसा करते हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव द प्रेजेंट सब्जेक्ट नॉलेज टू अ हायर लेवल। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियलिटी यही है, अब उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। खैर, अ पार्ट ऑफ जोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एला इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एला जो है वो किससे संबंधित है, मतलब किसका प्रकार है? ख्याल का प्रकार है, ध्रुवा का प्रकार है, प्रबंध का प्रकार है, ध्रुपद का प्रकार है? आसान से क्वेश्चंस हैं। बताइए। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एला किसका प्रकार है? ध्रुपद में तो नहीं आएगा, बेसिकली एला जो है ये प्रबंध में आता है। ठीक है, प्रबंध के अंतर्गत आएगा, प्रबंध पर भी एक चैप्टर वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थाट की 9 जातियों से उत्पन्न रागों की कुल संख्या कितनी है? एक थाट की 9 जातियों से उत्पन्न रागों की कुल संख्याएं कितनी हैं? 420, 448, 484, 478। बताइए।
इसमें से क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? नौ जातियों से कितने राग बन सकते हैं? आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, सबको पता है 484, आप सब लोग जानते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 484। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो मात्रा को तीन मात्रा में बजाने की लय को क्या कहा जाता है? दो मात्रा में मतलब दो में तीन कहना एक तरीके से, उसको क्या बोलेंगे? बियाड़, कुवाड़ या फिर तिगुन? आड़, कुवाड़, बियाड़ या फिर तिगुन, इनमें से आंसर आपका क्या सही होगा बताइए। अपना आंसर दीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मुझे लगता है एग्जाम में 100 में 100 सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? 100 में से 5 क्वेश्चंस तो आप आंसर आते हुए भी गलत टिक करके आते हो, मतलब आंसर दिमाग में चलता रहता है, हाँ ये सही है, लेकिन ऑप्शन आप गलत वहां पर टिक करते हो, क्योंकि दिमाग बहुत खुश रहता है ना, अरे मेरा तो अब हो जाएगा, फिर आप अपना नहीं सोचते, फिर दूसरे का सोचते, अरे बहुत ईजी पेपर आया है, अब दूसरा कितना अच्छा कर लेगा, मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाएगी बच्चे, और दूसरे बहुत अच्छा करेंगे, उस टाइम पर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होते। तो 4-5 क्वेश्चन तो आप वहाँ गलत करते हो, गलत टिक करके आते हो, आंसर आपको आता रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, आपको पता है कि आंसर ये सही नहीं होगा, फिर भी आप उस पर क्या करते हो? टिक लगा देते हो, तो 4-5 वहाँ गलत हो जाते हैं, फिर आप आके रुकते हो 85 to 90 के आसपास, या फिर और पीछे भी 80 पर भी जा सकते हो, जैसा कि अभी एनवीएस में हुआ है। बहुत इजी पेपर था कि 95+ उसमें लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जिन्होंने पेपर दिया सबको पता होगा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। खैर, इसका आंसर आप लोगों ने सही बताया है, यहाँ पर क्या होगा? आड़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यही होता है, और बाकी जो कमी रहती है वो कुछ क्वेश्चंस में पूरा कर देते हैं एग्जामिनर भी। क्वेश्चंस में आंसर आप सही समझ के आते हो, और उनका वो पता नहीं कौन सा ग्रंथ लेके वो लोग पढ़ते हैं कि आंसर उनका सबसे दुनिया में सबसे अलग आता है, और चैलेंज फिर उसको मानते भी नहीं है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल? निम्न में से कौन शोध का प्रकार नहीं है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा यहां पर रिसर्च का जो है वो प्रकार नहीं है? हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव या फिर ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, अवलोकन, प्रयोगात्मक? सबको आंसर पता है? ठीक है, जिनका भी आंसर थर्ड है सही है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, ये शोध का प्रकार नहीं है, शोध के अंतर्गत आता है ये, मतलब एक स्टेप होता है एक तरीके से, आप बोलते हो कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो आप, है ना? जैसे कि मान लो आपने कुछ सैंपल्स लिए हैं, जैसे कि एक छोटा सा अगर एग्जांपल बताऊं कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और म्यूजिक का प्रभाव देख रहे हो कि दिमाग पर क्या पड़ता है, तो वहां पर सैंपल जितने भी 10 लोगों को मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, तो म्यूजिक सुनाओगे उनको रोज 1 घंटे जाके, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, उनसे क्वेश्चंस करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या इसका जो है वो प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, तो उसके शोध के रिसर्च के अंदर आता है, वो किसी प्रकार का रिसर्च नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ताल हैज 14 मात्रास, 4 डिविजन्स ऑफ 5, 2, 3 एंड 4 मात्रास। मतलब कौन सी मात्रा जो है वो ताल है वो 14 मात्रे की है और जिसमें चार विभाग हैं, 5, 2, 3, 4 के। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आड़ा, चौताल, धमार ताल, झूमरा ताल या फिर दीप चंदी। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबको पता है ये, ठीक है, ताल भी याद होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द कमेंटेटर ऑफ नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के टीकाकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी लोग पढ़ने वाले यहां पर फटाफट आंसर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा शारंग देव, अभिनवगुप्त, अहोबल और पंडित दामोदर। किसने किया है आप आंसर बताइए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम टफ होता है, मतलब कोई भी एग्जाम टफ है तो आई थिंक इंसान ज़्यादा अच्छे से उसको प्रिपेयर करता है। इजी पेपर हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। नाट्य शास्त्र के टीकाकार कौन थे? शारंग देव जी, अभिनवगुप्त या फिर अहोबल। अपने अपने आंसर्स दीजिए। सबको पता है, इसमें कुछ खास नहीं है, दो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब गुणात्मक जो अनुसंधान होता है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है? जो आपके ओरिजिनल मौलिक विचार है वहां से, या फिर रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान से, या फिर प्लानिंग और डिजाइनिंग से, या फिर स्टडी ऑफ रिलेटेड रिसर्च। देखिए, जब भी कभी हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ना शुरू करिए, जो क्वेश्चंस हैं तो समझ में आ जाएगा। कई बार होता है कि हिंदी में लिखी हुई चीजें नहीं समझ में आती, तो वहां पर अगर आप इंग्लिश वाला जो टेक्स्ट है वो पढ़ो, तो इसलिए जो भी फर्स्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश मिलाकर पढ़ा करो। जिसको इंग्लिश आती है उसका कोई नहीं, जिसको नहीं आता है हिंदी इंग्लिश दोनों कोशिश करो, तो आई थिंक कहीं बेटर परफॉर्म कर पाओगे दूसरों से। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, बी या फिर सी या फिर डी या फिर पहला। कौन सा होगा? फिर से सुन लो, गुणात्मक अनुसंधान किससे प्रारंभ होता है? देखिए, यहां पर ए आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। यहां पर आपका प्लानिंग और डिजाइनिंग से होता है, जो भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें प्लानिंग और डिजाइनिंग आती है ना। योजना करते हो आप और उसके बाद अपने स्टडी की प्रिपरेशन करते हो, डिजाइनिंग जो जिसमें आता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च का तरीका अलग होता है, क्वांटिटेटिव का तरीका अलग होता है, उसके बाद और भी रिसर्च में जो इसके अंदर भी और आते हैं, सबका अलग अलग अपना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा थर्ड, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, योजना अध्ययन की तैयारी से स्टार्ट होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान क्रियोचते इस, मतलब गान क्रियोचते क्या है, मतलब किससे संबंधित है? ख्याल से, वर्ण से, तान से या फिर राग से। आंसर यहां पर क्या होगा आपका?
गान क्रियोच्यते किसके अंतर्गत आते हैं? ख्याल होगा, वर्ण होगा, तान होगा या फिर राग होगा? बताइए, अपने आंसर शेयर करिए। ठीक है, देखिए जो गान क्रियोच्यते है ये आपका ख्याल में नहीं आता, ये आपका वर्णों से संबंधित है ना। गान क्रियोच्यते मतलब गान क्रिया के चार वर्ण कौन कौन से? आरोही, अवरोही, संचारी और जो चार आपके होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ खास नहीं था, बस इसमें जो ये शब्द दिया ना गान क्रियोच्यते, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो ये है यहाँ पर, तो ये वर्ण है ना आपके चार होते हैं, गान की क्रिया जो वर्ण कहलाती है ना वही चीज है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको आते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें नाम से कुछ अलग हो गया, कुछ ऐसे चीज अलग हो गया, तो थोड़ा सा उसका कन्फ्यूजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? कर्नाटक संगीत के जो फादर हैं वो कौन माने जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। श्यामा शास्त्री, पुरंदर दास, त्यागराज या फिर मुथुस्वामी दीक्षितर? ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं इसलिए इससे ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिनका भी आंसर यहाँ पर टू है, पुरंदर दास, वो आंसर यहाँ पर सही है। क्लियर है, इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है दशविध राग वर्गीकरण किससे संबंधित है? शारंगदेव से, मोहम्मद रजा से, भातखंडे से या वेंकट मुखी से? ये भी क्वेश्चन आपको मतलब आ ही रहा होगा, बहुत इजी है। आंसर्स करिए, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद आज की जो क्लास है वो वाइंड अप करेंगे, और जितने भी लोग नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आई थिंक 23rd को है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, फोकस्ड रहिएगा, आराम से पेपर देके करोगे तो जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे। बाकी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, देन क्लास को वाइंड अप करते हैं, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, शारंगदेव यहाँ पर दसविध राग वर्गीकरण से संबंधित है। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस और भी होंगी और उसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक का भी शायद बहुत लोग का मतलब कमेंट्स भी आए थे और मैसेज भी करते हैं कि जो ताल दस प्राण है उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा और लाइव क्लास करके ही उसको मैं करा दूंगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ राहुल सिंह, जय हिंद।